हैव अ नाइस डे। तो आप सभी के लिए और मेरे लिए भी है ये। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 24 मार्च और सुबह के बज रहे हैं 6:30 हो चुके हैं, 7 बजने जा रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि जब मैं 6 बजे उठी तो यहाँ अंधेरा था, हल्का सा धुंध वाला उजाला हुआ था और अचानक ही सुबह हो गई, एकदम इस तरह रोशनी हो गई। तो पीछे गोस्ट ऑफ, वहाँ से मैं आई हूँ नीचे से, प्रॉपर्टी थोड़ी नीचे सीढ़ी से जाके, और अब मैं जा रही हूँ जहाँ लैंडिंग साइट है वहाँ मैं जा रही हूँ। तो जून 16 कैफे मेरे पीछे और चलते हैं साइट की तरफ। तो आज मॉर्निंग व्यू है जो बीर का, वो घूमते हैं। कर हम जहाँ गए थे, जहाँ से हमने टेक ऑफ लिया था, जहाँ से पहले गाइडिंग की थी, वो बिलिंग है। तो बीर बिलिंग इसीलिए एक साथ नाम लिया जाता है क्योंकि बीर लैंडिंग साइट है और बिलिंग वहाँ से टेक ऑफ यानी फ्लाई करते हैं हम लोग। तो पैराग्लाइडिंग की दो जगह है इसलिए एक साथ लोग नाम लेते हैं। वैसे दोनों ही जगह अलग अलग है। बीर से अराउंड 18 to 20 किलोमीटर, लगभग 30 से 40 मिनट लगता है बिलिंग जाने में, और उसके रास्ते बहुत ख़तरनाक हैं। तो चलते हैं। कुछ इस तरह का सामने का नज़ारा है, सुबह सुबह का टाइम है, लगता है कि मैं ही उठ गई हूँ। और जो यहाँ के लोकल्स हैं ना, वो मतलब अपनी शॉप खोल रहे हैं। और ये देखिए सामने बर्फ़ का पहाड़, जो कल दिन में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, बादल आ गए थे। चारों तरफ हॉस्टल्स, होम स्टे एंड रेस्टोरेंट, कैफ़े, यही सब मिलेंगे यहाँ। मेरे पीछे हिमालयन पिज़्ज़ा कैफ़े है और ये देखिए अभी सिर्फ लोकल्स जगह हैं जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं, यानी हम जैसे लोग। मुझे लग रहा है सब ज़्यादातर सो रहे हैं। जिन्हें यहाँ पैराग्लाइडिंग करना, एक फॉरनर था, वो बिल्कुल रेडी था, जा रहा था। तो हमको लगता है वो सन को एकदम उगते हुए देखेगा क्योंकि अभी निकला नहीं है। मेरे ख्याल से आधे एक घंटे में सनराइज हो जाएगा यहाँ। तो बस अब हम लोग आ चुके हैं, मेरी पूरी साइट है लैंडिंग साइट। और कहीं कल मैंने यहीं लैंड किया था। और ये देखिए ये जग चुके हैं। सबसे अच्छे साथी होते हैं, मगर कुछ बहुत ख़तरनाक होते हैं जो पीछे पीछे दौड़ाते हैं। और ये नज़ारा सुबह का, और अभी जो टाइम हो रहा है 7 बज रहा है, 7 अभी बजे भी नहीं है, 4 मिनट बाकी है। और सुबह का नज़ारा, और यहाँ सूरज उगते हुए दिखेगा जिसका आप टाइम लैप्स देखने वाले हैं। मैं फटाफट जाके सेट करने वाली हूँ अपना गोप्रो। तो चलते हैं नीचे, यहाँ से टाइम लैप्स बनाएंगे। मेरे ख्याल से यहाँ से अच्छा बनेगा, इस साइड से थोड़ा दूर से, और मज़ेदार है। आप कहीं बाहर जाते हैं ना तो सुबह का नज़ारा ज़रूर वहाँ का देखिए, क्योंकि बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता है, लोग नहीं जगते हैं। जितने टूरिस्ट होते हैं ना, रात में पार्टी वार्टी करके इंजॉय करके सोते हैं, तो वो करीबन 8-9 बजे उठते हैं, फ्रेश होते हैं, तब तक भीड़ भाड़ फिर शुरू हो जाती है। असली उस जगह का आपको वाइब्स लेना है, मज़ा लेना है ना, तो इस तरह सुबह उठिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। सिर्फ आप ही आप दिखेंगे, कोई नहीं दिखने वाला है। वॉक, ये देखिए मॉर्निंग वॉक पे निकला, बस बस बस। लैंडिंग साइट पे, बीर पे सब शाम को सनसेट देखने आते हैं और मैं सनराइज देखने आई हूँ। मेरा यहाँ टाइम लैप्स लग गया है। ये देखिए यहाँ थोड़ा मैंने ऊपर की ओर लगाया है, झुकाकर, मतलब पीछे झुकाकर लगाया है, जिससे सनराइज बहुत ही अच्छा है। क्योंकि लैंड है ना, मतलब पूरा खाली लैंड है, तो इसको ज़्यादा कवर कर रहा था अगर मैं सीधे लगा रही थी। देखिए सामने वाइट कलर का हॉर्स है, सफ़ेद घोड़ा, और ये नज़ारा आपको सिर्फ सुबह ही देखने को मिल सकता है, नहीं तो पता नहीं दिन में। कल तो मुझे नहीं दिखा था क्योंकि यहाँ मैं 3-4 घंटे बिताई थी और मुझे तो नहीं देखने को मिला था। और यही कहीं जगह थी जहाँ वो जगह थी जहाँ मैंने ड्रेस पहन के, एक्चुअली जो ड्रेस था उसे पहन के फ़ोटो सेशन करवाया था और डांस भी किया था। आपने इंस्टा पे अगर फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा। वैसे मैंने क्लिप डाल दी होगी, मेरे ख्याल से मैं डालूंगी क्योंकि अभी केवल शूट हो रहा है, एडिट नहीं हो रहा है,
तो मैं डाल दूंगी, छोटी सी एक क्लिप डालूंगी। तो वो आंटी बहुत ज़्यादा स्वीट थी, और थैंक यू आंटी। इन फ्यूचर या आप कभी भी वीडियो देखें, और नहीं भी देखनी है तो दिल से, कहते हैं ना दिल से दिल का कनेक्शन हो जाता है, अगर दिल में सच्चाई हो, अगर हम किसी चीज़ के लिए सही में अपने दिल से अपने रूह से बोल रहे हैं, तो थैंक यू सो मच आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। तो अब मैं आगे निकल रही हूँ, उस साइड से मैं आई हूँ, और अभी मैंने टाइम लैप्स लिया, 7:30 बज रहे हैं, और अब आगे मैं जाऊँगी। उधर पूरा रास्ता जा रहा है, इस साइड से मैं आई हूँ, इधर जाना है। और आज का 24th का सबसे पहला मॉर्निंग का जो पैराग्लाइडिंग कोई कर रहा है, मेरे ख्याल से वो सीख रहा है, अकेले है वो, कोई साथ में नहीं है। तो 7:30 बज रहा है और ये जो पर्सन है पैराग्लाइडिंग कर रहा है। तो बस आपको आगे बढ़ते जाना है, उधर कहीं से मैं आई हूँ लैंडिंग साइट से, फिर इधर 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 भी पूरा पैदल घूमा जा सकता है, नहीं तो आप साइकिल भी ले सकते हैं और घूम सकते हैं। साइकिल रेंट पे यहाँ मिलती है मेरे ख्याल से 100 रुपीज़ पर आवर, और स्कूटी भी मिलती है, बाइक भी मिलती है, उसका मुझे पता नहीं है, मेरे ख्याल से 500-600 पर डे का होगा, पेट्रोल आपको खुद भरवाना है। पर मेरा जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, लोकल अगर आपको घूमना है तो आप पैदल आराम से घूम सकते हैं, जैसे ऋषिकेश में है। ये है आवाज़ कैफ़े जो मैं बता रही थी, यहाँ साउथ इंडियन फूड बहुत ज़्यादा फेमस है, और बीर में अगर आपको साउथ इंडियन फूड खाना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी ओपन नहीं हुआ है, और ओपन हो गया है, ओपन हो गया है, चलते हैं आवाज़ कैफ़े। और नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ के आसपास का, बहुत अच्छा है। तो मैं सुबह सुबह, हमको लगता है मैं फर्स्ट होंगी जो आ गई होंगी यहाँ। चलते हैं, भीड़ ना हो तभी मज़ा आता है मेरे जैसे लोगों के लिए, मुझे थोड़ा भीड़ में मज़ा नहीं आता। यहाँ का कैफ़े रेस्टोरेंट जो भी कहिए आप, अंदर का, और बाहर की व्यू देखिए, सिटिंग के लिए बनाया गया है। 7:35 हो रहा है, मुझे सिर्फ लैंडिंग साइट से यहाँ आने में पैदल मुझे केवल 5 मिनट लगे हैं, वो भी मैं रिकॉर्डिंग करते हुए आ रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही आसानी से आप यहाँ आ सकते हैं, और बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ से, आपको सामने बर्फ़ के पहाड़ दिखेंगे। लोकेशन इतनी अच्छी है ना कि आप यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं हैं। वैसे यहाँ जितने कैफ़े हैं ज़्यादातर ओपन में जो बने हैं, सबके व्यूज़ ऐसे ही हैं, तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं। और साउथ इंडियन फूड है, मेरा तो फेवरेट है, मुझे डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लव डोसा। तो डोसा तो मैं ट्राई करने वाली हूँ, और देखते हैं और क्या क्या यहाँ है। हैव अ नाइस डे तो आप सभी के लिए, और मेरे लिए भी है ये। तो ये है आवाज़ कैफ़े, और इसी के सामने आपको यहाँ ये भी कैफ़े बहुत फेमस है, ये है सिल्वर लाइन, और ये भी मुझे अभी बंद ही लग रहा है क्योंकि अभी सुबह के 7:30 हैं। लोकेशन आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, मतलब बहुत अच्छे से, मतलब कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब हम लोग इसे कबाड़ में फेंक देते हैं, सोचते हैं अरे बल्लियाँ हैं, बांस हैं, इनका कैसे यूज़ होगा, तो कितने अच्छे से इसे यूज़ करके बनाया गया है। और ये देखिए धनिया लगी हुई है, यहाँ धनिया में फूल आ गए हैं। इस समय मैं सिल्वर लाइन कैफ़े में हूँ, और ओपन हो चुका है, आवाज़ अभी ओपन नहीं हुआ है। मैं गई थी वहाँ, उन्होंने कहा कि 9 बजे के बाद यानी 9 AM पे खुलेगा उनका। तो ये लुक, वहाँ से मैं आई हूँ, और यहाँ सिटिंग का है बाहर, उस साइड भी है इधर, और ये अंदर छोटा सा है पर बहुत अच्छा है। सबसे पहले मुझे ब्राउनी दिखी, पर ये एग वाली है, और अभी चल रहा है नवरात्रि तो मैं एग नहीं खाऊंगी। एक एगलेस भी है, और ये इनका है मेन्यू, तो आप पढ़ सकते हैं रेट, तो कुछ इसी से इन्हीं में से मंगवाते हैं और ट्राई करते हैं। अंदर भी आप बैठ सकते हैं, और ये सर हैं यहाँ के ओनर, हेलो, और ये मैम हैं उनके साथ। बनौफी पाई बहुत फेमस है, एक बार फिर से क्या नेम है? बनौफी पाई। ओके ओके, तो ये एगलेस सर ने वहाँ बना के रखा है, तो ये मैं ट्राई करने वाली हूँ, और ये बहुत फेमस है यहाँ का ना सर। साथ में मैंगो कॉफी पाई बनता है। अच्छा, जब मैंगोज आएंगे। ओके, उसके लिए एडवांस में बुकिंग करता है। अच्छा, तो अभी मैंगो का सीज़न नहीं है, तो
एक पीस में ये ट्राई करूंगी और मैं पैन केक ट्राई करने वाली हूँ। मैंने वीडियोस में देखे हैं आपके पैन केक बहुत फेमस है। हाँ, तो जो भी ट्राई करूंगी एगलेस होगा। मेरा चांस मतलब बाय चांस बहुत ख़राब रहता है कि जब भी मैं निकलती हूँ कहीं टूर पे तो कुछ ना कुछ चलता रहता है कि मैं एग या नॉनवेज नहीं खा पाती हूँ। तो चलते हैं, कुछ ट्राई करते हैं पहले। यहाँ फाइनली आ चुका है, ये है पैन केक, क्लासिक पैन केक है। और ये डेजर्ट है, सर ने नाम बताया, अजीब सा नाम है तशबी से। तो ये टेस्ट करने वाले हैं। ये नीचे है बिस्किट एंड क्रीम बेस है, एंड ये है एगलेस पैन केक है, क्योंकि मैं एग इस समय नहीं खा रही हूँ। तो चलते हैं टेस्ट करते हैं। नाश्ता फाइनली हो चुका है, पैन केक एंड एक जो डेजर्ट था केक जैसा, बहुत ही अच्छा था और मीठा ज़्यादा खाया नहीं जाता। और आवाज़ में मैं गई थी पर इतना ज़्यादा हैवी हो गया कि अभी मैं जो भी खाऊंगी ना वो फिर छूट जाएगा, तो फिर खाने का मन नहीं करेगा। तो अब रश होना शुरू हो गया है। अभी जो लोग सीख रहे थे वो लोग भी हैं, और कुछ लोग अब फ्लाई करना शुरू कर दिए हैं मेरे जैसे लोग। तो आसमान में दिख रहा है, तो यही है, सुबह का व्यू बहुत ही अच्छा होता है। तो कोशिश करें कि अगर आप ऐसी जगह आ रहे हैं तो मॉर्निंग में ज़रूर निकलें, जिससे आपको वो लोग नहीं दिखेंगे, भीड़ भाड़ नहीं दिखेगी और वो शांति दिखेगी, चिड़ियों की आवाज़, हवा चल रही है, आप महसूस कर सकेंगे उस चीज़ को। नहीं तो फिर धीरे 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 इस तरह रश होने लगता है और आपको फिर खाली जगह नहीं मिलती है। तो बस यही है, अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आगे मिलते हैं, क्योंकि मैं जा रही हूँ वाटरफॉल के लिए। कैसे जाना है, क्या करना है, अभी कुछ डिसाइड नहीं है। टैक्सी करनी होगी, क्योंकि कुछ दूर टैक्सी से ही जाना होगा, उसके बाद पैदल जाना है अभी जो मुझे पता चला है। तो देखते हैं, चलते हैं, बात करते हैं, उसके बाद आपको ही बताते हैं कि अगर आप यहाँ आएंगे तो कैसे जाना होगा और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ओके, बाय।